हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, और मैं इस वक्त तो आया हूँ अटल घाट में अपने भाई के साथ, और ये पीछे खड़ा है। और इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं, और आपको आज मैं कानपुर का गंगा बराज और अटल घाट घुमाने वाला हूँ। तो आप सब लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं हम लोग, अंदर कैसा है अटल घाट, अंदर चलते हैं। और यहाँ पे स्वयं प्रधानमंत्री जी ने खुद यहाँ पे निर्माण किया था। सुबह के वक्त काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। अगर आप भी अगर वीडियो कहीं भी बनाने जाते हैं तो सुबह जाया करिए, आज थोड़ा देर हो गए हैं, धूप काफ़ी तेज़ है। और इस समय जुलाई के मौसम में, बरसात के मौसम में, आप भी जानते हैं इस समय गंगा कितनी भरी होती है। तो आप भी देखिए हमारे पीछे, नमामि गंगे हर हर गंगे, आप भी देख सकते हैं दूर तक केवल पानी पानी है, गंगा ही गंगा है। और ये देखिए पूरा, आप देख सकते हैं पूरे यहाँ के जीने डूब चुके हैं इस सावन के पर्व में। और यहाँ पे अच्छे खासे टूरिस्ट भी आते हैं। तो अभी सुबह के टाइम है, और इवनिंग में अगर कानपुर अटल घाट में अगर घूमने आएंगे तो शाम को आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और इस समय यहाँ की नाव जो है बंद है इस समय, क्योंकि इस समय जल स्तर बढ़ा हुआ है, तो इस वजह से अभी रोक है। और जो नाव है वो उस पार से उस पार घुमाती थी, बाकी पैसा लेती थी। आप देखिए मस्त, यहाँ पे अभी 1.5-2 साल ही हुए हैं इसको बने हुए अटल घाट को। और इसके बाद फिर चलते हैं गंगा बैराज में, और पीछे तक चलते हैं, देखते हैं क्या है। काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रेश व्रेश होने के बढ़िया सब कुछ है। और अभी नीचे भी जाएंगे, नीचे भी देखेंगे क्या है। पानी का जलस्तर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, नहाने का मूड तो है नहीं। अगर आप लोग को नहाना जरूर आइए, नहाइए, काफ़ी अच्छा है। और इस वक्त सन जी ऊपर चढ़ते हुए, और यहाँ पे लाइटें वाइटें बढ़िया मस्त लगी हैं। यहाँ पे दादा सब लोग व्यायाम कर रहे हैं, दादा लोग सुबह सुबह व्यायाम करते हुए। काफ़ी बड़ा अटल घाट और सुंदर है, चित्र वित्र बने हुए हैं, काफ़ी स्वच्छ है। और यहाँ पे सफाई का पूरा ध्यान दिया गया है, और आप भी ध्यान रखिए सफाई का। और यहाँ पे सौर ऊर्जा पूरी लाइटेड पूरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये पीछे तक का है केवल अटल घाट, और इसके पीछे कुछ नहीं है। अभी गंगा बैराज भी जाएंगे, गंगा बैराज में देखेंगे क्या है, गंगा बैराज में क्या है क्या नहीं। और पीछे वहाँ का पानी जो जल स्तर बढ़ा हुआ उसके चक्कर में यहाँ पे भी पानी बढ़ चुका है पीछे। काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं
मस्त घूमने यहाँ पे। और अब चलते हैं अटल घाट के नीचे। वाटरप्रूफ मोबाइल तो है नहीं मेरा, मैं तो हम भी घुस के नहाना शुरू कर देते मोबाइल लेके। तो यहाँ के पेड़ छोटे छोटे हैं, अभी कुछ दिनों बाद यहाँ के पेड़ भी बड़े हो जाएंगे। पानी इस बार जलस्तर बढ़ा हुआ है, और नीचे चलते हैं देखते हैं पानी का क्या हाल है नीचे चल के। एक बार मैंने एक बार और आया था वीडियो, पर उस टाइम शाम को आया था मैं। आप देख सकते हैं और कुछ नहीं, पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जीने और भी नीचे यहाँ से गए, और भी नीचे गए यहाँ पे। और अब निकलना है गंगा बैराज की ओर अपने भाई के साथ। बढ़िया मस्त और काफ़ी सुंदर है पीछे का। और यहाँ पीछे प्लांट भी बना हुआ है, पीछे हमारे पीछे प्लांट भी है। पहले यहाँ पे तार और जाली वाली कुछ नहीं लगी हुई थी, क्योंकि लोग यहाँ से नीचे फान जाया करते थे, नीचे उतर जाया करते थे। अब अच्छी खासी सुविधाएँ हो गई हैं और काफ़ी ख्याल रखा गया है लोगों के बारे में। और काफ़ी सुंदर रोड पीछे आप हमारा देख सकते हैं। काफ़ी दिनों बाद भी मैं आया हूँ यहाँ पे गंगा बैराज में, और देखते हैं क्या हाल है। गंगा बैराज में जब यहाँ पे जलस्तर पर इतना बड़ा हुआ, तो गंगा बैराज में कितना बड़ा होगा, एकदम ऊपर होगा। और ये हमारे पीछे काफ़ी स्वच्छ रोड है यहाँ की। और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे गंगा बैराज में, आप देख सकते हैं। और पानी का जलस्तर, और जो ये जाली है ये पहले नहीं लगी हुई थी, ये जाली केवल यहाँ तक था। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कल, ये खुला हुआ था, जाली कुछ नहीं लगी हुई थी। अब जाली अभी लग चुकी है, तो जाली इस वजह से लगानी पड़ी क्योंकि लोग यहाँ पे लटक लटक के देखते थे, झांकते थे। और पानी इस समय काफ़ी तेज़ है, आप भी देख सकते हैं हमारे पीछे एकदम ऊपर है। आप देख सकते हैं ये एकदम जो ओवर फ्लो पूरा ऊपर है इस समय। और यहाँ पे भी सुबह का वक्त है और 7:30 बज रहे हैं अब। और यहाँ का फूल भी देखिए काफ़ी, और सुबह का टाइम आज देर हो गई है, सुबह का टाइम अगर मैं आता तो काफ़ी अच्छा व्यू आता देख के रोड पार कर ले। और यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे गाड़ी तेज चलती है यहाँ पे अपनी स्पीड में। ओ भाई, अब आप देखिए गंगा बैराज, आप देख सकते हैं काफ़ी तेजी का तेजी के साथ। और
काफ़ी रफ्तार में अपनी गंगा पकड़ते हुए, और इस तरफ भी जाली नहीं लगी हुई थी, इस तरफ भी जाली लगाई गई। और आप यहाँ से देखिए काफ़ी 1 किलोमीटर पूरा लंबा है ये कुछ, और यहाँ की हवा काफ़ी तेज लग रही है, तेज चल रही है यहाँ पे। जब छोटे थे तो केवल टूर, जब टूरिस्ट स्कूल से जब टूर आया करता था तभी यहाँ पे आ पाते थे, और अब है हम बड़े हो गए हैं तो यहाँ पे बड़े होने जब मन हो तब आ जाओ, यहाँ पे आए। और यहाँ पे देखिए काफ़ी तेज, और इस वक्त बादल भी आ चुके हैं, थोड़ा अच्छा मौसम हो गया है, ठंडा मौसम हो गया है। आप भी देखिए इस वक्त रोड भी शांत है, सुबह का टाइम है, और अभी आगे भी चलेंगे, आगे क्या है क्या नहीं है। काफ़ी फुल स्पीड में गंगा बहती हुई, यहाँ पे देखिए अब चलते हैं आगे की ओर। रोड पार करते हुए और देख सकते हैं, और कानपुर आप भी जानते हैं, आगे कानपुर की आदतें, तभी मुझे यहाँ पे कानपुर में अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है यहाँ पे ना राजा लगता है, या तो गुरुग्राम में राजा है या फिर मुंबई। और अब चलते हैं आगे की ओर, आगे देखते हैं क्या हाल है क्या हाल नहीं, आगे की ओर चलते हैं। और ये हमारे पीछे आई लव कानपुर स्टाइल में लिखा हुआ अपने, और यहाँ पे अब लोग आ रही है और जा रही है, और ये ट्रांस गंगा सिटी अब हमारे पीछे बोर्ड लिख दे सकते हैं, ट्रांस गंगा सिटी 3 किलोमीटर। और हमारे पीछे आप देखिए ये लास्ट है गंगा बराज का पुल, ये देखिए यहाँ लुक देखिए काफ़ी सुंदर, काफ़ी मस्त। यहाँ पे सुबह ही अच्छा लगता है, दोपहर में और इवनिंग टाइम में ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है, सुबह शाम यहाँ किसी का टाइम है नहीं कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ, लास्ट है गंगा बराज, और सीधे रोड गंगा सिटी की तरफ चली गई है, और ये सीधे रोड लखनऊ उन्नाव की तरफ चली गई है नवाबगंज से होते हुए, और यहाँ से आनंदेश्वर परमंड मंदिर ठीक हमारे उस तरफ है सामने वहाँ पे। बस काफ़ी अच्छा लुक लास्ट है, और ये पीछे पूरा आप देख सकते हैं कितना लंबा है, पूरा 1 किलोमीटर। यहाँ का शानदार नज़ारा, और उस तरफ न्यू कानपुर सिटी हो रही है उस तरफ,
और यहाँ से मेरा घर तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है और 15 किलोमीटर में आया हूँ। और यहाँ पे लड़का और वहाँ पीछे देख सकते हैं हमारे काफ़ी सुंदर बोट वोट भी खड़ी हुई है। इधर पीछे आप देख सकते हैं वो पीछे वो बोट भी खड़ी हुई है। और अब मैं आ चुका हूँ गंगा बैराज के इस पार और ये देखिए हमारे पीछे काफ़ी मस्त लुक है यहाँ पे। तो यहाँ से नीचे देखिए गंगा बैराज का पुल देखिए आप, शानदार नज़ारा। और बोटिंग भी होती है यहाँ पे। नहाने का मूड तो है नहीं पर यहाँ से काफ़ी लंबा है देख सकते हैं आप। पर यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी मस्त व्यू और गंगा बैराज हमारे पीछे काफ़ी मस्त लुक। और ठीक हमारे उस तरफ पीछे आनंदेश्वर मंदिर चलते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर करें। ठीक है, बाय।